आप सबको प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा जो आजादी हमें मिली है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने, इस देश की जनता ने इस आजादी की लड़ाई को लड़ा और हजारों लाखों माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, तब जाके आजादी हमें नसीब हुई है। मैं कहना चाहूंगा आज के जो हालात हैं वो वापस इस प्रकार के बन रहे हैं कि एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को वापस इस आजादी को कायम रखने का काम करना होगा। देश के अंदर जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है, और सरकार की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिन पे लोगों का विश्वास है, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबी हो, सेबी हो, सीबीआई हो, इन सारी जो संस्थाएं हैं इनका विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इनकी कार्रवाइयां ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति से प्रेरित है, और उनका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इस देश के संविधान को भुगतना पड़ रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर बने हैं, प्रदेश के अंदर बने हैं, जरूरत है हम सब लोगों को एकजुट होकर वापिस जय हिंद का नारा लगाते हुए आम जन की सेवा के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता को आगे आना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के जो हालात हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी बताया, जो भी प्राकृतिक आपदाएं इन लोगों के सामने आई, चाहे वो लू की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, और अब बरसात की बात हो, सब जगह सरकार फेल हुई है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं सूखे में जा रहे हैं, जहां पानी भरा हुआ है वहां नहीं जा रहे, लोगों की मौत हो रही है उनको कोई मुआवजा कोई नहीं दे रहे, लोग फंसे हुए हैं इनके देखते देखते। खुद भरतपुर के अंदर 7-20 साल के लड़के काल के ग्रास बन गए। कहां थी सरकार, क्या कर रही थी? 500 से ज्यादा डेथ राजस्थान के अंदर हो चुकी है और सरकार सो रही है, आपस में लड़ रही है कौन आपदा प्रबंधन कर रहा है। खुद मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं हूं, सरकार कह रही है वो मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो मान गए हैं। भाई मान गए हैं तो काम करें, मीटिंगें मुख्यमंत्री ले रहे हैं, चेक मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री को खुद प्रबंधन करके घूमना पड़ रहा है। तो ये हालत प्रदेश के अंदर इन लोगों की बन रही है। मैं कहना चाहूंगा आपसी प्रबंधन आपदा का इनका बाद में हो जाएगा, पहले जनता की सुध लें। आज पूरा जयपुर जाम हुआ पड़ा है, चारों तरफ से कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है। बरसात की तैयारी बरसात के आने से पहले की जाती है, ये लोग आज तैयारी कर रहे हैं, उसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता को, जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जयपुर नहीं, जितने भी शहर हैं, जितने भी प्रदेश के जो बड़े गांव हैं, सब जगह हालत खराब है, क्योंकि आपदा के नाम पे न कोई बजट है, न कोई मैनेजमेंट है, न कोई तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई काम चल रहा है। पर्ची आ जाती है उसकी बात रख देते हैं, इसके अलावा कोई बात इस सरकार की नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कम से कम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये सरकार भी कुछ अपने अंदर झांके कि देश की आजादी की वजह से आज ये सत्ता के अंदर है, इस देश के संविधान की वजह से सत्ता के अंदर है। आपने जो शपथ ली है उसमें आपने इस देश की सेवा करने के लिए, प्रदेश की सेवा करने के लिए आपने शपथ ली है, और उसमें आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है।